गणेशाय नमः। ओम गंग गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर AK चौबे। मित्रों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं उपस्थित हुआ आज फिर एक विशेष वार्ता के लिए। देखिए, वार्ता का थंबनेल बताऊं या शीर्षक बताऊं, उससे पूर्व निवेदन करूं कि मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और देखिए, मेरा एक कार्यक्रम चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित है। दोनों के ज्ञात न होने पर आप फिर नाम बोलते नाम से भी देख सकते हैं। तो मित्रों, मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ, क्या चर्चा कर रहा हूँ, देखिए, युवराज बुद्ध जो है, युवराज बुद्ध ने कल यानी 1 नवंबर को नक्षत्र परिवर्तन हो गया, नक्षत्र परिवर्तन कर लिया। यानी अब तक जो है वो गुरु के नक्षत्र में थे, गुरु यानी बृहस्पति के नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में थे, और अब जो है 1 नवंबर से आ गए वो अनुराधा नक्षत्र में। तो अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, तो शनि के नक्षत्र में आ गए 1 नवंबर से। और देखिए, फिर 11 नवंबर को चले जाएंगे अपने ही नक्षत्र में, ज्येष्ठा में। ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध बहुत अच्छे उच्च के क्यों अपने नक्षत्र है। और फिर देखिए, दोबारा उसके बाद नवंबर 11 के बाद फिर जो है 9 दिसंबर को चले जाएंगे फिर शनि के नक्षत्र में, अनुराधा में। यानी बकरी हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। और दिसंबर 9 में अनुराधा में आने के बाद फिर 24 दिसंबर को यानी साल के अंत में आते आते फिर दोबारा ज्येष्ठा में आ जाएंगे। इस तरह ज्येष्ठा में आके फिर अपने नक्षत्र में आ जाएंगे। तो ये बुध का अब से 1 नवंबर से और दिसंबर तक, 24 दिसंबर तक नक्षत्र परिवर्तन होता रहेगा। अनुराधा में आएंगे, अनुराधा के बाद फिर ज्येष्ठा में जाएंगे। इस तरह से अभी तो विशाखा में थे बृहस्पति के में। तो अब देखिए, इस नक्षत्र परिवर्तन का असर क्या हो रहा है, कौन राशियों पर लाभ मिल रहा है, कौन राशियों पर असर हो रहा है, उन राशियों की मैं देखिए चर्चा करता हूँ। देखिए, 2-3-4 राशियाँ ही ऐसी होंगी जिन पर बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन का असर पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली राशि तो बुध की अपनी राशि, मैं समझता हूँ बुध की अपनी राशि जो है, अब मैं बताऊँ आपको कि बुध, चूँकि बुध का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है तो अपनी राशि जो है, सबसे पहले मैं बताता हूँ मिथुन राशि में क्या हो रहा है। देखिए, मिथुन राशि में बुध जो है ऐसा परिवर्तन करेंगे, देखिए आपका, कि नई नौकरी लग सकती है, नया काम लग सकता है, नया वेतनमान और नई जगह ट्रांसफर, सब कुछ नया नया हो सकता है। तरक्की मिल सकती है, जॉब में तरक्की मिल सकती है, और देखिए दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो सकता है। मिथुन राशि के लिए बहुत ही अच्छा, क्यों, बुध की अपनी राशि है ना। तो बुध का नक्षत्र देखिए परिवर्तन, जब अनुराधा में शनि के नक्षत्र में आएंगे तो शनि का सा भी फल देंगे और शनि भी मतलब एक्टिव हो जाएंगे। तो शनि जो है, आप देखिए मिथुन राशि के लिए कहाँ है, शनि मिथुन राशि के लिए भाग्य भाग्य में है, कुंभ राशि नवे भाव में। इसलिए मैंने मिथुन राशि को लिया कि मिथुन राशि के लिए शनि के नक्षत्र में अनुराधा में आना और फिर बुध के ज्येष्ठा में जाना, तो 6ठे भाव का, 11वें भाव का और ये सब फल पूरा मिलेगा, और 12वें भाव का और 9वें भाव का और 30रे भाव का, क्यों, शनि का मेन जो है सप्तम भाव बता रहा हूँ, और शनि जो भाग्य में बैठे हुए हैं मिथुन राशि के, तो 7, 8, 9, 10 तो भाग्य से 10वीं दृष्टि से वो फिर वृश्चिक राशि को देख रहे हैं जहाँ बुध हैं। तो मैं समझता हूँ शनि का और बुध का दोनों का काफ़ी अच्छा सहयोग रहेगा, क्यों, बुध शनि के मित्र हैं। तो मिथुन राशि के लिए बुध का ये है। और जब ज्येष्ठा में आ जाएंगे बुध अपने नक्षत्र में, फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, फिर तो धन का लाभ अच्छा होगा, और देखिए अच्छी जॉब, तरक्की और भाग्य तो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। ये अभी तक, क्योंकि शनि भी 15 तारीख से देखिए मार्गी हो जाएंगे, और शनि के नक्षत्र में जब बुध आ जाएंगे तो शनि का सा फल देंगे और
अच्छा लाभ मिलेगा। तो मिथुन राशि के लिए मैं समझता हूँ ये टाइम जो है काफ़ी अच्छा है। और मिथुन राशि के बाद देखिए अगली राशि बताता हूँ मैं, वो शनि की खुद की राशि है। कौन सी राशि है? मकर राशि। मकर राशि नंबर 10, तो जहाँ शनि की अपनी राशि है। अब देखिए शनि की राशि में मकर राशि के लिए शनि बैठे धन भाव में कुंभ राशि, और शनि धन भाव में देखिए शनि के अनुराधा नक्षत्र में बुध आ गए। तो शनि का सा बुध व्यवहार करेंगे, या कहिए कि बुध जो है शनि के से फल देने लगे। तो भाग धन भाव में शनि है तो धन का आगमन हो गया, यानी आपके व्यापार में तरक्की, बिजनेस में तरक्की, धन का आगमन, धन तो आएगा ही आएगा भाई। तो मकर राशि के लिए और बुद्धि भी देखिए अच्छे लाभ भाव में, लाभ भाव से बुद्धि देखेंगे संतान भाव को, तो संतान से लाभ, संतान का नया काम, संतान का नया जॉब, संतान की तरक्की, प्रेम प्रसंगों में सफलता। और देखिए लाभ का मतलब है लाभ ही लाभ का मतलब धन ही धन आएगा। तो मैं समझता हूँ बुद्ध का ये अपने नक्षत्र में ज्येष्ठा में आना तो बहुत ही शानदार रहेगा। तो आज अभी जो है बाकी का टाइम, ये नवंबर का और दिसंबर का पूरा टाइम बुद्ध के अनुराधा में जाने से, ज्येष्ठा में जाने से, फिर अनुराधा में आने से, और फिर लास्ट में ज्येष्ठा में जाने से, ये दोनों महीने नवंबर दिसंबर अब मकर राशि के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे, बहुत ही शुभ बढ़िया। शनि की राशि है, शनि की कृपा मिलेगी, और 15 तारीख से जब 15 नवंबर से शनि मार्गी हो गए तब तो और ज़्यादा अच्छी कृपा मिलेगी, बुद्ध की कृपा, शनि की कृपा, और देखिए बाकी और ग्रहों का कृपा मिलेगी उसकी मैं इसमें चर्चा नहीं कर रहा हूँ। और देखिए अगली राशि, एक और राशि जो कि बहुत लाभ पा सकती है इस समय, वो शनि की दूसरी राशि यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि में शनि देखिए सस महापुर राजयोग बना के पहले भाव में बैठे हैं लग्न में, तो और शनि की अनुराधा नक्षत्र में बुध आ गए, तो बुध भी शनि की भांति लाभ देंगे, तो कुंभ राशि को भी बहुत शानदार। यानी जातक का शरीर हृष्ट पुष्ट बीमारी रहत और सप्तम भाव के दाम्पत्य जीवन और व्यापार में तरक्की, बुध तो व्यापार के खुद मालिक हैं, तो बुध भी शनि जैसा व्यवहार करेंगे यानी शनि जैसा फल देंगे, जहाँ से शनि बैठे हुए हैं वहाँ से तो शनि बैठे हुए हैं लग्न में, लग्न से सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। और बाकी देखिए बुध भी जो है आप बहुत शानदार, क्योंकि कुंभ राशि है और कुंभ राशि के लिए बुध जो है आप देखिए 8, 9, 10 गया, यानी 10वें भाव में, और फिर आगे चेंज करेंगे भाव ना, तो 10वें भाव में, 11वें भाव में यहाँ तो जॉब की तरक्की, व्यापार में तरक्की, काम जो भी कर रहे हैं उसमें तरक्की, और देखिए आपका जो लाभ है, यानी लाभ का मतलब बिजनेस से लाभ, नौकरी से लाभ, कहीं से भी लाभ, तो लाभ ही लाभ, धन ही धन आएगा। तो कुंभ राशि के लिए भी ये बुध का शनि के नक्षत्र में आना, फिर अपने ज्येष्ठा में जाना, ज्येष्ठा में तो जाकर बुध गजब ही कर देंगे, क्यों उनका अपना नक्षत्र है, यानी जो कुछ दे सकते हैं कुंभ राशि को सब कुछ देंगे, धन देंगे, व्यापार में तरक्की देंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, कुटुंब परिवार में अच्छा सामान्य से बैठेगा, बढ़िया तरक्की होगी, यानी सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। और कुंभ राशि के बाद आप देखिए मैं एक राशि और बताऊँ अभी, वो राशि है देखिए मीन। मीन राशि का तो इसमें बहुत ही शानदार योग है, क्योंकि मीन राशि के लिए तो आप देखिए हालांकि शनि जो है 12वें भाव में है, तो यानी विदेश से तरक्की, विदेश भाव से लाभ, विदेश व्यापार से लाभ, विदेश नौकरी से लाभ, शनि की तरह, और देखिए बुध की तरह आप भाग्य भाव से भाग्य बढ़ेगा, यानी मीन राशि वालों का जब बुध भाग्य वर्धन कर देंगे और अपने नक्षत्र में आएंगे ज्येष्ठा में, तो यानी नवंबर दिसंबर दोनों महीने बुध के नक्षत्र परिवर्तन से अब सारे समझ लीजिए अच्छा टाइम शुरू हो गया, मीन राशि का भाग्य वर्धन होगा, भाग्य वर्धन हुआ तो सब तरह से लाभ मिलेगा, नौकरी से, व्यापार से, कुटुंब को, समाज को, संतान को। तो मीन राशि चूंकि बुध बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति देव गुरु हैं, और बुध का तो कोई देखिए युवराज हैं, दोनों श्रेणी में आते हैं, दैत्यों में भी आते हैं और देव में भी आते हैं, तो बुध जो है मीन राशि को तो बहुत अच्छा लाभ देंगे, बृहस्पति की राशि है। तो ये देखिए मैं बताऊँ आपको, मकर राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई, मीन राशि हो गई, मिथुन राशि हो गई, और देखिए बुध की जो दूसरी राशि है मैं उसको भी देखना चाहता हूँ कि आखिर उसको क्या होगा,
उसको बुध की जो दूसरी राशि है उसके लिए शनि, देखिए अभी तो विपरीत राजयोग बना के बैठे हुए हैं और शनि के नक्षत्र में बुध आ गए तो शनि का सा व्यवहार भी करेंगे, शनि का सा लाभ भी देंगे, तो छठे भाव में कन्या राशि को नई नौकरी चाहे अगर तो हो सकता है, स्थान परिवर्तन, तनख्वाह अच्छी हो सकती है, ऋण रोग से मुक्ति, रोग से मुक्ति मिलेगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी, शत्रु भी कोई परेशान नहीं कर सकते, कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी और कोई आप परीक्षा दे रहे हैं प्रतियोगी उसमें सफलता मिलेगी। और भाई आप तो ये कन्या राशि के लिए भी मैं समझता हूँ जितनी मेहनत करोगे भाई उतना कन्या राशि वालों तो लाभ मिलेगा, भाई बहनों से लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, तो ये भी मतलब अच्छा ही योग बन रहा है क्योंकि बुध का मतलब जो है दो नवंबर दिसंबर दोनों में दो दो बार नक्षत्र परिवर्तन करना, अभी अनुराधा में आना, फिर ज्येष्ठा में, फिर वापस अनुराधा में, फिर ज्येष्ठा में, क्योंकि बकरी होंगे फिर मार्गी होंगे, तो मैं समझता हूँ कन्या राशि तो बुध की अपनी राशि है इसलिए बहुत ही शानदार योग बन रहा है मित्रों। और देखिए एक मैं बताऊंगा सिंह राशि के लिए बुध क्या कर रहे हैं, और बुध जो है सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे, यानी जो भी आपको सुख सुख की चीज, जो भी चीज़ है जिससे आपको सुख मिलता हो, चाहे यात्राएं हो, चाहे गाड़ी बंगला हो, चाहे जमीन जायदाद हो, कुछ भी हो तो उससे आपको लाभ मिलेगा, माता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा और मैं समझता हूँ दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा, और दाम्पत्य जीवन क्योंकि शनि श्रेष्ठ महापुरुष राजयोग बना के बैठे हुए सप्तम भाव में, बिजनेस में तरक्की मिलेगी, नया कोई काम शुरू हो सकता है, रोका हुआ काम लाभ हो सकता है, और मेरे हिसाब से फिर संतान की भी तरक्की होगी, संतान को भी पढ़ाई लिखाई में अच्छे अंक से और संतान की सफलता से खूब खुशियां प्राप्त होंगी। तो ये टाइम जो है सिंह राशि वालों के लिए भी नवंबर दिसंबर का महीना बुध की कृपा मिल रही है, और बुध की और शनि की दोनों की, शनि जब मार्गी हो गए तो और अच्छी कृपा मिलेगी शनि की और बुध के साथ साथ, क्योंकि बुध शनि के नक्षत्र में है, फिर अपने नक्षत्र में है, फिर शनि के नक्षत्र में और फिर अपने नक्षत्र में है, तो ये बाकी नवंबर दिसंबर का दोनों ये साल का अंत होते होते सिंह राशि के लिए भी अच्छा खासा लाभ मिल रहा है। तो मित्रों ये रही राशियां, वो राशियां जिनको के बुध अभी जो है नक्षत्र परिवर्तन से, शनि के नक्षत्र में आने से और फिर अपने नक्षत्र में आने से सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, खुशियां, धन, संतान को और दाम्पत्य जीवन, व्यापार, यानी हर तरह से अच्छा लाभ मिल रहा है। तो ये गिनी चुनी राशियां हैं भाई, बाकी राशियों को भी तो देखिए कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन मैं अब सबकी चर्चा कर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उनको थोड़ा सा कम मिलेगा लेकिन लाभ तो सबको मिलेगा, पर ये राशियां जो मैंने बताई इनको कुछ ज्यादा ही लाभ मिलेगा। मित्रों अभी मैं विराम लूंगा, देखिए आगे आऊंगा तो फिर और चर्चा करूंगा। मित्रों नमस्कार।